आज इस लेक्चर में हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूनिट जो कि ICAR-ASRB फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम का एक यूनिट है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हैं, उसके पार्ट थ्री में थ्री को स्टडी करेंगे डिटेल में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिटेल्ड कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड फैक्टर अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। ये एक चार्ट है जिसमें डिटेल्ड कंपोजिशन बताई गई है मिल्क की, ठीक है। तो फर्स्ट में है कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अप्रॉक्स कंसंट्रेशन वेट पर लीटर ऑफ मिल्क। जो वाटर है वो मिल्क में 860 से लेके 880 ग्राम प्रेजेंट होता है पर लीटर मिल्क में, ठीक है। एंड जो लिपिड्स इन इमल्शन फेस है वो प्रेजेंट होते हैं 30 से लेके 50 ग्राम पर लीटर मिल्क में। नेक्स्ट इज जो लेसिथिन एंड ये फॉस्फोलिपिड्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। स्टीरोल्स जो कि 0.30 ग्राम प्रेजेंट होते हैं पर लीटर ऑफ मिल्क में। एंड वाइट एंड कैरेटिनॉइड्स, विटामिन ए डी ई एंड के प्रेजेंट होते हैं। जो केजियन प्रोटीन है वो 25 ग्राम पर लीटर मिल्क में प्रेजेंट होता है, वेट ऑफ पर लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो जो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन है वो 3 ग्राम प्रेजेंट होता है पर लीटर मिल्क में। एंड अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन वो 0.7 ग्राम प्रेजेंट होता है पर लीटर ऑफ मिल्क में। एंड अदर एंजाइम्स जैसे कि कैटालेज, परऑक्सीडेज, फॉस्फेटेज, अमाइलेज, लाइपेसिस एंड प्रोटीएसिस ये भी प्रेजेंट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें कि लैक्टोज आता है वो 45 से लेके 50 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज 50 mg है जो पर लीटर ऑफ मिल्क में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम की जो मात्रा है वो 1.25 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क में प्रेजेंट होती है। फॉस्फेट की 2.10 ग्राम, सिट्रेट 2.00 ग्राम एंड क्लोराइड है जो 1.00 ग्राम वेट पर लीटर ऑफ मिल्क में प्रेजेंट होता है। और भी वाटर सोलेबल विटामिन्स जैसे कि थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पायराडॉक्सिन, पैंथेनोइक, बायोटेन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड ये सारे प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जैसे कि अमोनिया, अमाइनो एसिड, यूरिया, कैरेटिनाइड एंड कैरेटिनिन, यूरिक एसिड ये सारे भी कंपाउंड्स भी मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। गैसेस जैसे कि जब मिल्क है जो एक्सपोज होता है एयर से तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। कॉपर, आयरन ये एलिमेंट्स हैं जो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ मिल्क। मिल्क है वो जो डिफ़र करता रहता है अपनी कंपोजिशन के हिसाब से, ठीक है। मिल्क में बहुत सारे टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अमाउंट में वेरी करते रहते हैं। मिल्क है जो इंडिविजुअल काउ से आता है जो उसमें ग्रेटर वेरिएशन होती है जब हम उसका मिक्स को उसके मिल्क को मिक्स कर दें हेल्ड मिल्क के साथ, ठीक है। जो वेरिएशन है वो ज़्यादा हो जाती हैं जब स्मॉल हर्ड इन देन लार्ज वंस इन मिल्क। मिल्क फैट है जो वो ग्रेटेस्ट डेली वेरिएशन है जो क्रिएट करता है देन प्रोटीन एंड ऐश एंड शुगर। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपोजिशन ऑफ मिल्क को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट है जी स्पीशीज़। डिफरेंट स्पीशीज़ की जो ब्रीड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क के कंपोजिशन है जो हमें देखने को मिलेगी, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो ईच ब्रीड ऑफ एनिमल प्रोड्यूस यूनिक कंपोजिशन ऑफ मिल्क। ईच स्पीशीज़ ईल्ड मिल्क ऑफ करैक्टरिस्टिक कंपोजिशन एंड इंडिविजुअलिटी। हर एक काउ या फिर हर एक बफेलो का जो मिल्क है वो इंडिविजुअली भी डिफरेंट होता है एज़ कंपेयर टू अदर एंड इन अदर काउ एंड बफेलो। इंटरवल ऑफ मिल्क, जो इंटरवल है मिल्क का वो 12 आवर्स तक होता है। जब मिल्किंग कर ली जाती है 12 आवर्स से पहले तब भी जो मिल्क फैट हैं एंड जो मिल्क प्रोटीन्स ये सारे कंपोनेंट्स हैं उनमें वेरिएशन आती है। कंप्लीटनेस ऑफ मिल्क, इफ़ द काउ इज़ कंप्लीटली मिल्क
द टेस्ट इज़ नॉर्मल, इफ़ नॉट इट इज़ यूजली लोअर। अगर काऊ का जो मिल्क है वो कम्प्लीटली निकाल लिया जाता है तो जो टेस्ट है वो नॉर्मल आते हैं, नहीं तो वेरिएशन आती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्क, वेदर अ काऊ इज़ मिल्कड 2 or 3 or 4 times a day, इट हैज़ नो ग्रेट इफेक्ट ऑन फैट टेस्ट। अगर काऊ को 2 या 3 बार मिल्किंग की जाती है तो उसके जो फैट है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इरेगुलरिटी ऑफ मिल्किंग, फ्रिक्वेंटली चेंजेस इन द टाइम, अगर टाइमिंग है जो मिल्क का निकालने की वो गड़बड़ हो जाती है, इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा टाइम भी, तो जो मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन पे वेरिएशन आती है। डे टू डे मिल्किंग, कुछ वेरिएशंस तब भी आती हैं जब इंडिविजुअल काउज़ की डे टू डे ही रोज़ ही मिल्किंग होती हो। डिजीज़ एंड अबनॉर्मल कंडीशंस, अगर जो एनिमल है वो बीमार है या फिर उसे कोई ना कोई दुख है जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है, तब भी मिल्क के कंपोनेंट्स में वेरिएशन आती है। पोर्शन ऑफ मिल्क, जो लास्ट स्ट्रिपिंग होती है उसमें हाई फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो स्टार्टिंग स्ट्रिपिंग होती है मिल्किंग की वो उसमें लो फैट कंटेंट है जो प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टेज ऑफ लैक्टेशन, द फर्स्ट सेक्रीशन आफ्टर काविंग कलस्टम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मिल्क इन इट्स कंपोजिशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज, द चेंज फ्रॉम कलस्टम टू मिल्क टेक्स प्लेस विद इन अ फ्यू डेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लैक्टेशन की स्टेज कौन सी है, काविंग के बाद, बर्थ के बाद, एक काव को बर्थ देने के बाद मिल्क की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो जाती है, उसमें जो कलस्ट्रम होता है उसकी वजह से मिल्क की कंपोजिशन वेरी करती है। अब क्लस्टम क्या होता है, ये रेडिश येलो कलर होता है जो कि जब काओ एक काव को बर्थ देती है तो उसके बाद जो हम मिल्क निकालते हैं उसको बोला गया है, ये रेडिश येलो कलर का होता है एंड अबनॉर्मल ऑर्डर होती है इसकी, स्लाइमी एंड विस्कस सा होता है एंड एसिडिक टेस्ट होता है इसका। इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टम सेल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाती है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल लेयर होती है जो अडर की उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ अ ईल्ड, फॉर अ सिंगल काउ देर इज़ अ टेंडेंसी फॉर इंक्रीज ईल्ड टू बी एक्म्पाइंड बाय अ लोअर फैट परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। फीडिंग कैसी हैज़ टेम्परेली टेम्परेली इफेक्ट ओनली, जो फीड कैसी मिल रही है उसकी वजह से भी, अगर फीड अच्छी नहीं मिलती है या कम मिलती है या फिर टाइम के अनुसार नहीं मिलती है तो मिल्क के कंपोनेंट्स में वेरिएशन आती है। सीजन, परसेंटेज ऑफ बोथ फैट एंड सॉलिड नॉट फैट शो स्लाइट एंड बट वेल डिफाइंड वेरिएशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। एज, तो फैट कंटेंट है जो यंग स्टेज ऑफ एनिमल में कम होता है, हाई एज में जब जब एनिमल हाई एज का हो जाता है तो उसमें फैट कंटेंट भी ज़्यादा हो जाता है। मिडिल एज्ड जो एनिमल होगा उसमें भी फैट कंटेंट हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कंडीशन ऑफ काओ एट कार्विंग, इफ़ अ काओ इज़ इन अ गुड फिजिकल कंडीशन व्हेन कार्विंग इट विल ईल्ड मिल्किंग ऑफ एट हायर फैट परसेंटेज देन इट वुड इफ इट्स फिजिकल कंडीशन वॉज पुअर। एक्साइटमेंट, बोथ ईल्ड एंड कंपोजिशन ऑफ मिल्क आर लाइबल टू ट्रांजेंट फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट फॉर वेदर रीजन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड हार्मोन्स, सर्टन ड्रग्स मे इफेक्ट टेम्पररी चेंज इन द फैट परसेंटेज, इंजेक्शन और फीडिंग ऑफ हार्मोन्स रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ बोथ ईल्ड एंड फैट प्रोटीन्स। अगर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि अगर मिल्कर जो कि मिल्क निकालता है वो अगर चेंज हो जाए तब भी मिल्क की कंपोजिशन पे वेरिएशन आती है। ठीक है, जब एनिमल है वो पार्चुरेशन पीरियड पे होता है तब भी मिल्क की कंपोजिशन पे वेरिएशन आती है। लिविंग कंडीशंस कैसी हैं एनिमल की, कैसा उसका इन्वायरमेंट है जहाँ पर वो सर्वाइव कर रहा है, उसके हिसाब से भी जो मिल्किंग है उसकी क्वालिटी डाउन भी होती है। ठीक है, सीजनल वेरिएशंस हो गई, इंडिविजुअल वेरिएशंस होगी, वेरिएशन होगी फ्रॉम मिल्किंग टू मिल्किंग।
ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।